अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एंड एक्सप्लोरर। दोस्तों त्यौहार का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है, तो बहुत से दोस्त कंफ्यूज थे कि साफ फूड आप यानी कि जैसे मौसम बदल गया, सब्जियां हमने दालों में कैसे ऐड करनी है, रेसिपी तैयार है, कैसे बनानी है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं इनको अपने बर्ड को यानी कि सर्व करता हूँ, कितनी कितनी क्वान्टिटी में, मैं सारा कुछ आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि घर से मैं जो चीज़ें तैयार करके ले आया हूँ उनमें क्या क्या अज़ा है। पहले देख लें, पुदीना है, उसके बाद जो सॉफ सीड होते हैं जिनमें लोबिया, गंदम, वाइट लोबिया, मूंग की दाल और मुख्तलिफ जो है ना अज़ा जो है ना इसमें शामिल है। उसके बाद ये देख लें, ये है जी हमारे ये कह लें कद्दू, कद्दू मैश करके इसमें डाले हैं। उसके बाद है बंद गोभी है, नीचे है सबसे नीचे बंद गोभी थी, ये लें जी। ये चिकंदर है, उसके बाद ये बंद गोभी का पीस है। आज हम इसमें यानी कि 3 से 4 सब्जियां और पुदीने के पत्ते ऐड करके सबको, अब इसमें कुछ और चीज़ें भी मैं ऐड करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप पकड़ें आ जाएंगे। इसके बाद इसमें कोई भी आपने हैंड फीड ऐड कर लेनी है, ताकत के तौर पे ये 1-2 चम्मच हैंड फीड के ऐड कर लेंगे। उसके बाद ग्रिड, इसमें ग्रिड भी हमने ऐड कर दी है। उसके बाद जी ये हर्ब्स हैं हाजमे के लिए पकी, ये भी ऐड कर दी। उसके बाद है जी स्पैरोलिना और मरिंगा का पाउडर, ये भी आपने ऐड कर देना है। वैसे मैंने तो अपने लिए जो बनाया था कुदरती वो ख़त्म हो गया, फिर ये मार्केट में आया था, ये हम ले आए थे, तो अब इसको जल्दी जल्दी मिक्स करके आपको दिखाते हैं कि जो है ना बेहतरीन किस्म का ये जो है ना सारा मिक्स हो गया है, जो चीज़ें हमने डाली थी अच्छी तरह इसमें सारी जो है ना मिक्स हो गई। अभी आपको लगा के दिखाता हूँ, जल्दी जल्दी लगा के, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी, दिखाते हैं कि इनकी सबसे पहले एडियो में जो हमने डालना है, जैसे आज आप बर्ड रखे हैं वहाँ पे आप थोड़ा नजदीक आ जाए, वहाँ पे मैं इतना इतना कनालियों में डाल दूँगा। ये देखें आप डालते जाऊँगा और पीछे से आप देखते जाइएगा जो मरे में खाते हैं। व्यूवर्स को दिखाएं, डालते ही बर्ड ऊपर आना शुरू हो गए हैं। ये बजरी कर देखें, ये इसकी अफादियत है, ये नीचे राम अभी हम पास खड़े हैं सभी जो है ना। उसके बाद जिन पेड़ों के हमने बॉक्सिस उतारनी है, केला जस्ट पेड़ है उसको इतना देना है, ये क्वांटिटी उसको दें, शाम तक चटम प्रोग्राम हो जाएगा। लें जी सब लें, इसको बच्चे निकले इसको थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे, इसको थोड़ा इसके भी बच्चे हैं इसको भी थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे, जिनके बॉक्सेस लगे हैं उनके बच्चे हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे। तो हमारा डेटा पास जो थोड़ा सा ना पहले सफाई वाला हम लोग पर ज़्यादा नहीं, इसके बाद हमने ज़्यादा भी वीडियो बनानी है, सफाई प्रोग्राम है लूटी का, तो इस बार तो सुबह सुबह जो है ना डाटा इस तरह का बनाऊंगा। सबसे मुश्किल चीज़ इसमें ये मैं आपको बता दूँ कि सबसे मुश्किल चीज़ जो दोस्तों को दुश्वारी आती है कि हम साफ ही डालते हैं बर्ड काटा नहीं। आपने बढ़िया अपने बर्ड को साफ से लगाए, आप डेली चाहेंगे इतना सा बना लें जितने बर्ड हैं पूरा पूरा रखने का रहेंगे, आप खाता है या नहीं खाता आपने ड्यूटी रहनी है, आप ड्यूटी देंगे लाजमी देंगे, 10 दिन नहीं खाएगा फिर एक दिन
के मुंह मारना शुरू कर देगा। दो तरीके होते हैं कि खाना करा रहे साफूर लगाएं, अगर तो खाना शुरू हो गए पहले दूध नहीं खा रहे तो फिर आपने क्या करना है, तीन चार दिन डालने के बाद अगर फिर भी मुँह नहीं डाला तो रात के वक्त खाना निकाल देना, सुबह साफूर करना, फिर आज टाइम का खाना शुरू हो गए, एक बार खाना शुरू हो जाएंगे उसके बाद फिर भी ये साफ होकर फिर मुँह जाना होगा। उसके बाद अगर इधर भी लगा दिया, इधर कुछ केजी रह गए थे तो ये मैं छोटा सा तीन चार मिनट का क्लिप बनाना चाह रहा था कि आप दोस्तों को बताऊं कि किस तरह पूजा निकलना है, सब्जी की तरह तेल रखी हुई है, सुपर फास्ट है, सारे बर्ड बहुत इंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी अपने बर्ड को इसी तरीके से जो है ना ये दें, बहुत फायदा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें क्रीमिनो, डेकिनो, कैस्टल पार्सलो, अल्बिनो स्प्लिट के पट्टे, ये सारे जो है ना इंजॉय कर रहे हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, उम्मीद करता हूँ आज की जो हमने तरतीब बनाई थी क्वांटिटी भी आपके सामने है, कोई इतनी नहीं कि मैंने एक चीज़ की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हो, कहने के नॉर्मल थी। हाँ इसमें 25% चिकंदर और बाकी चीज़ें बराबर रखी हुई है, शिमला मिर्च भी थी, हाँ इसमें शिमला मिर्च भी आज हमने डाली है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो ये ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा, अल्लाह पाक की खिदमत करें ताकि सीजन में आपको जो है ना आपकी यानी कि जो मेहनत है उसका रिजल्ट दे। तो इसके साथ इजाज़त है, इंशाल्लाह जल्दी नए ब्लॉग के साथ दोबारा भी फिर हमने आदर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।